दोस्तों इस वीडियो लेक्चर में हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म के क्वेश्चंस की। तो मैंने आपको काफ़ी सारे लाप्लास ट्रांसफॉर्म के वीडियोस दे चुका हूं, जिसमें काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट को मैं बता चुका हूं, काफ़ी सारी प्रॉपर्टी को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो यहां पे हम वन बाय वन एक एक क्वेश्चंस को लगाने वाले हैं कि किसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म यहां पर क्या होता है। ध्यान से सुनेंगे, एक नंबर से हम लोग स्टार्ट करेंगे, आप लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, हम लोग सिंसियर वे में इसमें बढ़ेंगे, एक धीरे धीरे लेवल को बढ़ाएंगे। अगर आपने लाप्लास ट्रांसफॉर्म के वीडियो को नहीं देखा है तो पहले आप उसको देख लीजिए, ताकि आपको आगे के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है ना, ताकि आप आराम से लाप्लास ट्रांसफॉर्म सभी लाप्लास ट्रांसफॉर्म को इजीली सॉल्व कर पाओ। तो पहली बात मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, देखिए ध्यान से देखेंगे कि अगर आपने ut का लाप्लास आपसे पूछा है, ut का लाप्लास ट्रांसफॉर्म तो कितना होता है आपका 1/s, ठीक है। आप लोग पॉज करके सॉल्व भी कर सकते हैं। मैंने बोला tut, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है 1/s2। अगर मैंने बोला अब e की पावर -3t ut, इसका लाप्लास बताइए, तो इसका लाप्लास क्या होगा बताएंगे आप लोग, हम लोग धीरे धीरे बढ़ेंगे। अब इसका लाप्लास क्या होगा, इसका 1/s और -3t है तो s+3 हो जाता है, ठीक है ना। चलिए मैंने अगला बोला आपसे e की पावर -3t-1 ut-1, बताइए इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म अगर निकालें तो e की पावर -3t ut है तो 1/s होगा ut का, और -3t है तो s+3, लेकिन दोनों में --1 सकतेंगे तो e की पावर -as, यानी कि a की वैल्यू कितनी है 1, तो e की पावर -as यहां पे आ जाता है, ठीक है। इसके बाद मैंने बोला आपसे e की पावर मैं अब प्लस ले लेता हूं 2t+1, ऐसा आ गया अपने पास, और ut+1, इसका बताइए इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म अगर हम लोग निकालें तो ut e की पावर t ut है, e की पावर t ut है, तो यहां पे कितना होगा, ut है तो 1/s होगा, और t+1 है तो यहां पे कितना आ जाएगा, या e की पावर 2t है तो s-2 यहां पे हो जाएगा, और शिफ्टिंग कितनी की है, प्लस की है, तो e की पावर यहां पे क्या हो जाएगा, s हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, e की पावर s हो जाएगा। तो ध्यान से सुनेंगे, ut प्लस वन है, यहाँ पे माइनस माइनस था तो इस तरीके से किया, तो जहां पर भी देखो यहाँ पे क्या होता है, ध्यान से सुनेंगे एक एक कॉन्सेप्ट को, हम लोग गड़बड़ करते हैं कि इसमें भी माइनस करते हैं, तो कभी कभी यहाँ पे लिखा e की पावर 2t ut, तो e की पावर 2t ut लिखा 1/s-2, और फिर शिफ्टिंग कितने की है, t+1 की है, तो e की पावर यहाँ पे s आ जाता है, e की पावर s यहाँ पे आ जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखें, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं f, तो इसको मैं ले लेता हूं कि अपने पास है कोई फंक्शन t-1 का स्क्वायर और ut-1, सर इसका लाप्लास बताओ तो जाने, देखो आप लोग बताओ, क्योंकि मैं प्रीवियस वीडियो में काफी सारी चीजें पढ़ा चुका हूं, तो टी यू टी का 1/s, यू टी का 1/s, टी यू टी का 1/s2, तो टी स्क्वायर यू टी का कितना होगा, 2/s³, 2/s³, शिफ्टिंग कितने की है, -1, दैट मीन्स e की पावर -s। सर अगर f के अलावा ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया t-3 की जगह आ गया यहाँ पे प्लस और ut+3, अब कितना आएगा, अब लाप्लास बताइए, तो भी ऐसे ही है 2/s³, क्योंकि आप तो टी यू टी माने ना, इसमें माने नहीं शिफ्टिंग है, पहले आप ये लिखो, तो टी स्क्वायर यू टी की तरह काम कर रहा था, 2/s³, और यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे प्लस का 3 है, तो e की पावर कितना आएगा, 3s, बस खत्म। अगर यहाँ पे नॉर्मल फंक्शन होता टी स्क्वायर यू टी, अगर नॉर्मल फंक्शन होता, जैसे हम लोग यहाँ पर एक फंक्शन दे देते मान लीजिए टी स्क्वायर यू टी, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब शिफ्टिंग 0 है, इसका मतलब क्या होता, 2/s³ ही तो करते आप अकेला, यही तो करते है ना, तो इतना कर देते हम लोग, और यहाँ पे शिफ्टिंग है, जितने की शिफ्टिंग है उतना हम लोग लगा देते, ठीक है। चलो इसके बाद आगे बात करेंगे, अगर मैं यहाँ पे कर दूँ एक फंक्शन ले लेता हूँ, कि यहाँ पे मैंने लिख दिया t+1 ut+1, और यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, डिफरेंशिएशन कर दिया, किस क्या कर दिया, डिफरेंशिएशन, तो इसका लाप्लास सर कितना आएगा, तो देखिए सिंपल है फंडा जो मैंने बताया आपको, जितने भी शिफ्टिंग है पहले तो शिफ्टिंग को नहीं मानो, आप नॉर्मल फंक्शन मानो, तो अगर ये शिफ्टिंग है तो e की पावर बस s लगना है, तो t+1 है तो e की पावर s लगेगा, t+2 होता तो e की पावर 2s लगता, t-1 होता e की पावर -s लगता, t-2 होता तो e की पावर -2s लगता, बस। तो tut है तो ये किसकी तरह काम कर रहा है, tut जो फंक्शन होता है ये 1/s²
वन अपॉन एस स्क्वायर, और शिफ्टिंग क्या है, e की पावर s हो जाएगा। डिफरेंशिएशन है तो s का हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अपने पास कितना फाइनली निकल गया आएगा, वन अपॉन s e की पावर s। बस देखिए कितना आसान है इसको करना, कितना आसान है, बहुत आसान है क्वेश्चन को सॉल्व करना, बस ये छोटा छोटा आइडिया में होना चाहिए। अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको दे देगा टी यू टी, ऐसा फंक्शन भी दे देगा। तो आपको पता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, यू टी का वन अपॉन एस, टी यू टी का होता है वन अपॉन एस स्क्वायर, टी यू टी का कितना होता है वन अपॉन एस स्क्वायर, इंटीग्रेशन करते हैं तो वन अपॉन एस हो जाता है। अगर इसी में डिफरेंशिएशन होता तो एस का मल्टीप्लाई हो जाता तो होता वन अपॉन एस क्यू। इस तरीके से ये हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई सभी को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि तो इसी प्रकार से मैंने बोला e की पावर माइनस टू टी प्लस वन है ना, और यहां पे लिख दिया मैंने t प्लस वन, और यहां पे अंदर भी u t प्लस वन है ना। इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म बता सकते हैं आप, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म आप बता सकते हैं, तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म अपने को करना है। तो यू टी प्लस वन टी प्लस वन ई माइनस टू टी प्लस वन, तो यू टी का होता भैया वन अपॉन एस, लेकिन t प्लस वन यू टी प्लस वन है तो हो जाता वन अपॉन एस स्क्वायर है ना, और e की पावर माइनस टू टी है तो यहाँ पे अपने पास क्या होगा फिर, एस स्क्वायर नहीं होगा s प्लस टू होगा, s प्लस टू का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो e की पावर माइनस टू टी आ गया, एक्सपोनेंशियल यहाँ पे है तो यहाँ पे शिफ्टिंग होगा। अब यहाँ पे टी प्लस वन टी प्लस वन टी प्लस वन यानी कि e की पावर s, e की पावर कितना हो जाएगा s, ये इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म आ गया। देखो कितने आसान तरीके से हमने इस खतरनाक क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, अब मैंने लिख दिया e की पावर माइनस फाइव टी और यहां पे साइन टू टी, इसका निकालना है। तो सर इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म बताइए, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म, तो e की पावर माइनस फाइव टी साइन टू टी की बात कर रहे हैं। साइन टू टी का दोस्तों होता है अपने पास, साइन टू टी का होता है अपने पास टू अपॉन है ना एस स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर फोर। तो यहाँ पे e की पावर माइनस फाइव टी है, तो जब e की पावर माइनस फाइव टी है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा s प्लस, तो कितना आएगा s प्लस फाइव का स्क्वायर। तो जहाँ पर भी s होता है वहाँ पे अगर माइनस फाइव टी है तो प्लस कर देंगे, प्लस है तो माइनस कर देंगे, लेकिन यहाँ पे t प्लस वन में है तो वहाँ पे वो e की पावर s रहता है। ये तो मैं पढ़ा चुका था आपको फ्रिक्वेंसी शिफ्टिंग में, जिनको भी ये छोटा सा आइडिया नहीं है जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं वो समझ पाएंगे कि कैसे करना होता है। मैं कि अगर मैंने बोला e की पावर माइनस ए टी और एफ टी फंक्शन, इसका मतलब इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो जाता है दोस्तों एफ एस प्लस ए है ना, और e की पावर ए टी एफ टी बोला हमने तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो जाता है एफ एस माइनस ए, कितना एफ एस माइनस ए। अगर मैंने बोला एफ टी माइनस ए तो इसका मतलब इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म कितना होता है e की पावर माइनस ए एस एफ एस, e की पावर माइनस ए एस एफ एस, और मैंने बोला एफ टी प्लस ए तो इसका मतलब इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म अपने पास क्या हो जाता है e की पावर ए एस एफ एस। तो आपको ये छोटी छोटी चीजें, ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सपोनेंशियल है, कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सपोनेंशियल है लाप्लास ट्रांसफॉर्म में, जो कि हमें जानकारी होना चाहिए। ठीक है, इसी प्रकार से मैं अगर नेक्स्ट बात करूं कि मैंने आपको दे दिया e की पावर 2t और यहां पे दे दिया cos 6t, सर इसका बताइए। तो cos 6t की अगर बात करूं तो इसका तो नॉर्मल होता है कि s अपॉन एस स्क्वायर प्लस सिक्स का स्क्वायर यानी कि छत्तीस, लेकिन सर पता है e की पावर टू टी है तो जहां पर भी s होगा s माइनस टू हो जाएगा। तो देखो हम लोग क्या कर देंगे इसमें, s माइनस टू यानी कि s माइनस टू का स्क्वायर, और यहां पे जहां पे भी s लिखा है s माइनस टू यहां पर अपने पास हो जाएगा है ना, ये फंक्शन यहां पे निकल जाएगा। इसी प्रकार से आपके पास मैंने फंक्शन में लिखता जा रहा हूं, देखिए मैं फंक्शन लिखता जा रहा हूं, इसी प्रकार से मैं टी कर दूं e की पावर माइनस टी और साइन टी है ना यू टी, तो ut तो सब जगह है, अगर ut नहीं भी लिखा तो भी अपने पास कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है, नॉर्मल sin t लिख दूं तो भी मैं कर सकता हूं। तो e के पावर माइनस t sin t है, तो sin है तो ऊपर क्या आता है कॉन्स्टेंट वैल्यू, कॉन्स्टेंट आएगी ना, यानी कि ऊपर क्या आएगा वन अपॉन कितना आएगा s प्लस वन का स्क्वायर, क्योंकि e के पावर माइनस t था और कितना आ गया यहाँ पे वन। अच्छा यहाँ पे t का मल्टीप्लाई कर दिया, इसका मतलब क्या आएगा यहाँ पे डिफरेंशिएशन, क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन आपने यहाँ पे कर दिया क्योंकि टी का मल्टीप्लाई था तो ये डिफरेंशिएशन कर दिया। तो मैंने बोला था यहाँ पे हम लोग माइनस साइन लगा के डिफरेंशिएशन कर देते, ये प्रॉपर्टी आपको बताई हुई थी। तो ऐसे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिनकी प्रैक्टिस आसानी से हम लोग कर सकते हैं,
जिनकी प्रैक्टिस हम लोग आसानी से कर सकते हैं। अगर आपने लाप्लास ट्रांसफॉर्म का वीडियो नहीं देखा तो पहले आप उसको देख लीजिए, ताकि आपको आने वाले प्रैक्टिस करने के लिए कोई दिक्कत ना हो। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी क्वेश्चंस की बात करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, इफ़ यू लाइक दिस सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द वीडियो। नमस्कार, शुक्रिया, यादव, जय हिंद, थैंक यू।